हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बेसिक कंसेप्ट जिसमें हम लोग आज बात करेंगे वेल्टेड जॉइंट्स के बारे में थिन सेंडिकल और स्पेरिकल सेल्स के बारे में चेंज इन डायमेंशन थिन सिलेंडिकल सेल तो वेल्टेड जॉइंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह बताना चाहिए इसका बेसिक फॉर्मूला यानी जो स्ट्रेंथ होती है ट्रांसफर्स फिलेट वेल्टेड जॉइंट की वो क्या होती है तो फॉर अगर हम बात करें सिंगल फॉर सिंगल फिलेट वेल्ट के लिए तो पीस कल टू वन अपॉन रूट टू एस एल सिगमा टी तो वन अपॉन रूट टू ये इसको ले सकते हैं या डबल रिपटेड डबल फ्लेटेड ज्वाइंट डबल फिल्ट वेल्ड के लिए हो जाएगा रूट टू एस एल सिग्मा टी एस हमारा यहाँ पर लेग या साइज ऑफ़ द वेल्ड है स्मॉल एल लेंथ ऑफ द वेल्ड है सिगमा टी एलोबल टेंसाइल स्टेस फॉर द वेल्ड मेटल अगर बात करें स्ट्रेंथ ऑफ पैरेलल फ्लेट वेल्ड जॉइंट के लिए तो पीस कर्न टू वन अपॉन रूट टू एस एल टाउ है फॉर सिंगल पैलर फ्लेट रूट टू एस एल टाउ है फॉर डबल पैलर फ्लेट के लिए तो जो ट्रांसफर्स फिलेट वेल्टेड well ज्वाइंट होते हैं वो डिज़ाइन कर होता है फॉर टेन्सारी स्ट्रेंथ और पैलर फिलेड वेल्ट जॉइंट जो होता है वो डिज़ाइन होता है शेयर स्ट्रेंथ तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ट्रांसफर्स फ्लेट well well वेल्ट ज्वाइंट होता है वो डिज़ाइन होता है टेंसारी स्ट्रेंथ के लिए और पैलर फिलट वेल्ट जॉइंट जो होता है वो डिज़ाइन होता है फॉर शेयर स्ट्रेंथ के लिए आगे बात करते हैं जैसे कि इसकी थिन सिंडिकल्स से या स्पेरिकल्स और स्पेकल सेल के बारे में तो आपको इतना ध्यान रखना होगा कि अगर थिकनेस ऑफ द सेल थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द सेल की वो वन बाई टेन से लेकर वन बाई फिफ्टीन है के बीच में अगर इफ़ द ऑफ द वॉल ऑफ द सेल इज़ लेस देन वन बाई टेन टू तो वन बाई फिफ्टीन ऑफ इट्स डायमीटर तो उसको बोलेंगे थिन सेल थिन सेल का मतलब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द सेल की वो वन बाई टेन से वन बाई फिफ्टीन के बीच में है ऑफ इट्स डायमीटर के तो वो कहलाएगा थिन सेल और इट मे बी नोटेड दैट वेन एवर आर सिलडिकल सेल इज सब्जेक्टेड टू अ इंटरनल प्रेशर इट्स वॉल्स आर सब्जेक्टेड टू इट्स फॉलोइंग टू टाइप्स पहला होता है सरक्यूम फेरेंशियल स्ट्रेस या हुप स्ट्रेस दूसरा होता है लॉन्गिट्यूनल स्ट्रेस तो इसका फॉर्म में क्या हो जाएगा सिग्मा सी स्कल टू पी डी अपॉन टू टी इन नीटा और टर्म स्ट्रेस क्या हो जाएगा सिगमाइल स्क्ल टू पी डी अपॉन फोर टी एंड नीटा नीटा यहाँ पर क्या है इफिसंसी है जो कि ऑफ द रिविटेड ज्वाइंट के लिए और वेदर सेल इज मेड ऑफ डिजाइड कैपेसिटी बाई ज्वाइनिंग डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स बाई मीन्स ऑफ रिवेट तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो थिन सेल है उसमें जो स्ट्रेस एज्यूम हो रहा है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है थ्रू आउट द वॉल थिकनेस जबकि थिन सिलेंड्रिकल सेल ऑफ डायमीटर डी थिकनेस टी और लेंथ एल जो है सब्जेक्टेड टू इंटर प्रेशर पी है देन द सर्क्यू फ्रेंस या हो पेस्टर जो है इंड्यूस हो रहा है सेल के अंदर तो सिग्मा सी इज्कल टू पी डी एफ टू टी नीटा और सिग्मा एल इज टू पी डी एफ फोर टी एंड नीटा तो बेसिकली यहाँ पर जो पॉइंट नोट करने वाली बात है कि पहला ये कि जो सर्क्यू फ्रेंशियल स्ट्रेस है उसकी टेंडेंसी है टू स्प्लिट अप द सिडिकल सेल इंटू टू थ्रू सेकेंड जो लॉन्गिटूनल स्ट्रेस है हैज द टेंडेंसी टू स्प्लिट अप द दिडिकल सेल इंटू टू सिलेंडर थर्ड वन इज द लॉन्गिट्यूनल स्ट्रेस इज हाफ ऑफ दर्क्यू फ्रेंशियल या होप स्ट्रेस नेक्स्ट बात करते हैं आगे तो चेंज इन डायमेंशन ऑफ अ थिन सिलिकल सेल तो चेंज इन डायमेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मुला बेसिकली यूज़ करेंगे सर्क्यूफ्रेंसल स्ट्रेन के लिए और दिस वन इज द फॉर्मला फॉर लॉन्गिट्यूडन स्ट्रेन जब थिन सिलिकल सेल में सब्जेक्टेड टू जो इंटरनल प्रेशर है इट्स वॉल बी सब्जेक्टेड टू लेटल स्ट्रेन है और उसका जो इफेक्ट हो रहा है विच इज कॉज टू द सम चेंज इन डायमेंशन ऑफ द सेल तो सर्क्यूफ्रेंसल स्टेल क्या हो जाएगा सिगमा सी टू पी डी वन प्लस टू जबकि लॉन्ग हो जाएगा सिग्मा ई एल टू पी डी अपन टू टी वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन एम ई हमारा यंग यंग मॉडलर्स हो जाएगा ऑफ द सेल मटेरियल इल वन अपन एम पॉइजन रेशियो हो जाएगा सिग्मा डी सिग्मा ई सी डी अपॉन पी डी स्क्वायर अपॉन टू टी वन माइनस डेल्टा इज टू ईल टू पी डी एल अपॉन टू टी ई ब्रैकेट में वन बाई टू माइनस वन अपॉन एम तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इट मे बी नोटेड एट

नेक्स्ट बात करेंगे थिन स्पेरिकल सेल की तो जब थिन स्पेरिकल सेल की बात करते हैं तो उसमें डायमीटर डी ले रहे हैं थिकनेस डी ले रहे हैं इज सब्जेक्टेड टू तो अ इंटरनल प्रेशर पी देन द स्ट्रेस इंड्यूस इन द सेल मटेरियल कितना हो जाएगा इस्कल टू पी डी अपॉन फोर टी नीटा और जहाँ पर चेंज इन डायमीटर है वो पी डेल्टा डी स्क्ल टू पी डी स्क्वायर अपॉन फोर टी ई प्रैक्टिस में वन माइनस वन अपॉन है और डेल्टा वी जो हो जाएगा वो पाई डी की पावर फोर एट डी ए टी ई ब्रैकेट में वन वन पॉइंट एम होगा देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग